देख रहे हो भाई साहब नज़ारे सुबह के श्रीनगर के, मस्त से नज़ारे हैं भाई। और वहाँ पर देखो सामने ना पहाड़ है ना, उस जगह जाना है हमको, उस जगह वहाँ पर सामने सामने पहाड़ दिख रहा है जगह। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है 15th of June, तो लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हम लोग कश्मीर पहुँच गए थे माता रानी के दर्शन करने के बाद। यार बहुत थक गए थे, इतना थक गए थे ना तो पूरा शरीर पैर वगैरह, देखो दर्शन करके आए थे उसके बाद मैंने 2 घंटे आराम किया था केवल। 2 घंटे आराम करने के बाद मैं सीधा निकल गया था कश्मीर के लिए, श्रीनगर के लिए। और श्रीनगर हम लोगों ने 6 घंटे में वापस, 6 घंटे में आ गए थे हम श्रीनगर। 6 घंटे में श्रीनगर आने के बाद जो होटल लिया था उसके बाद फिर भाई साहब जो सोए हैं भाई साहब, शाम को मुझे मालूम है खाना खाने के लिए मैं इवनिंग में कैसे उठाऊँ, मुझे मालूम है बहुत ज़्यादा तकलीफ थी कल। तो आज नहाने के बाद बढ़िया एकदम फ्रेश हो चुके हैं और आज जा रहे हैं गुलमर्ग के लिए। अब देखते हैं गुलमर्ग में कैसा क्या पोजीशन रहती है। और गंडोला राइड ऑनलाइन बुक होती है, शायद मैंने नहीं करी है वो, अब मालूम नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी अभी कुछ पता नहीं चला। तो फिलहाल तो चलते हैं अभी। जी देखो भाई साहब मस्त तरीके से जी होटल एक नया बन रहा है यहाँ पर, तैयारी चल रही है उसकी लग रहा, अभी बन रहा है ये। तो चलो फिर चलते हैं तैयार, देखें वो देखेंगे फुल तरीके से रेडी, यहाँ से निकलते हैं गाड़ी लेके। गाड़ी देख रहे हैं हालत क्या हो रही है भाई, वैष्णो देवी से आए हैं कश्मीर की गाड़ी की हालत तो है जी। ये देखो फोटो शूट चल रहा है वहाँ पर क्या फुल, जा भी दो इधर। जी देखो भाई साहब स्मार्ट लौंडा ब्लैक 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 हैं ब्लैक ब्लैक ब्लैक। अच्छा तो देखो भाई ब्लैक एंड ब्लैक एंड ब्लैक फैमिली है, ब्लैक एंड फैमिली ब्लैक कट कमांडोज तैयार हैं श्रीनगर पर कब्जा करने के लिए। आतंकवादी तो है हमारे, आतंकवादी कम है क्या? नहीं, हम निकल चुके हैं यहाँ से अपने गुलमर्ग के लिए, गुलमर्ग जा रहा है ना, हाँ गुलमर्ग के लिए निकल चुके हैं। कितना टाइम हो रहा है अभी यहाँ से निकलेगा अपने को? 1.5 घंटा कहेंगे क्योंकि बहुत ट्रैफिक हो गया, अभी आगे मिलेगा जाम बहुत कर रहा वाला, इसलिए अगर सुबह सुबह निकलते तो सही रहता वैसे। चलो है निकलते हैं यहाँ से ट्रैफिक से जो है ना, श्रीनगर का ये जो है डल गेट है, डल गेट नंबर 1 से बना है। अब डल गेट नंबर 1 पे के पास ही अपना होटल है अपने जो बुक कराया था। और बाकी देखा जाए तो यार यहाँ ट्रैफिक तो बढ़ गया क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। अभी निकले हैं हम लोग, अभी जो टाइम हो रहा है ना वो हो रहा है 10:16, मतलब 10:15 बजे करीब निकले हैं। तो सब लोग ये बोले थे देखो पीक सीजन का टाइम चल रहा है ना तो उसमें भीड़ तो रहेगा, रश तो रहेगा, रश जो है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो देखते हैं अब हमें लेना है राइट। बाकी खूबसूरती तो भाई सब जानते हैं यहाँ की क्या मस्त है, बेहतरीन खूबसूरती रहती है यहाँ की श्रीनगर की। तो चलो अरे बाबा ये देखो बाबा जी को मस्त झूला लेके जा रहा है बच्चों का। ये देखो भाई साहब यहाँ से राजबाग लेफ्ट है, जवाहर चौक सीधे और बटमालू आगे है। ट्रैफिक देख रहा हो इतना ट्रैफिक है भाई साहब, ये समझ लो गुलमर्ग तक बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है। हम लोगों ने थोड़ा सा गलती क्या कर दी ना, थोड़ा सा लेट हो गए। अपन को पता 7 बजे निकल जाना चाहिए था। 7 बजे चलो कोई बात नहीं, ट्रैफिक को चीरते हुए निकल जाएंगे अपन आगे। अपनी गाड़ी है टाटा सफारी, गुलमर्ग के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं यार बिल्कुल, क्योंकि गुलमर्ग के जो माउंटेन्स है ना वो हमें नज़र आने लगे वहाँ पर। वो देखो सामने अलग दिख रहा है वहाँ पर माउंटेन्स गुलमर्ग के, कैमरे में पता नहीं कितने नज़र आ रहा हूँ लेकिन आने लगे हैं मुझे तो दिख रहे हैं। और बिल्कुल नज़दीक जाके दिखाते हैं आपको भाई, आप क्या मस्त लग रहा है ना सामने, ऐसा लग रहा है जैसे माउंटेन्स के पास ही जा रहे हैं अपन। यहाँ से अभी 30 किलोमीटर और करीब आगे है, उसके बाद देखते हैं वहाँ पर क्या है, क्या पोजीशन है वहाँ की, ट्रैफिक कितना मिलेगा, कितना रश मिलेगा, उस हिसाब से होगा गोंडोला राइड मिलेगी नहीं मिलेगी। चलिए जी पहुंच चुके हैं गुलमर्ग की तरफ, जब यार आएंगे,
क्या मस्त मौसम है, क्या मस्त पहाड़ है आगे यार। स्नो कैप माउंटेन्स देखो आप, दो मिनट ये देखो भाई साहब, वाह यार बहुत बढ़िया। मतलब इसको देख के, इसको देख के लगता है यार कहीं पर जन्नत, वाकई में जन्नत लगता है देख के कि जन्नत में है। अभी तो और ऊपर से अच्छा लगेगा, ये देखो चारों तरफ से गुलमर्ग पहुंच चुके हो, ये देखिए खूबसूरत नजारा। चढ़ाई स्टार्ट हो गई है क्लाइंबिंग, अब यहाँ से चढ़ेंगे अपन ऊपर की तरफ, 10 किलोमीटर अपन जाना है ऊपर। अब टेम्परेचर हो जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा कम, थोड़ा क्या थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाएगा। उसके बाद जी देखो भाई साहब, ये हो गई अब मस्त सी चढ़ाई स्टार्ट गुलमर्ग की, और 10 किलोमीटर अपन को ऐसी रोड मिलेगी। अब रेडी इधर रोड मिलेगी पूरी zigzag वाली, खूबसूरत नजारे एंजॉय कीजिए। टाइमिंग आता है, टाइमिंग दे देंगे 10-10 सेकंड का आगे से साइड से। यहाँ पर रुके थे ये देखो, थोड़ा सा स्ट्रेसिंग ब्रेक लिया था यहाँ पर, लेकिन माहौल देखो, माहौल देख के लिया था, मजा देख के। यहाँ पर थोड़ी सी फोटो शूट हो रही ना यहाँ पर जिस नेचर के बीच में, ये देखो मजे इनके, ये देखो भाई सब क्या मजा है यार। गुलमर्ग वाकई में है जगह, और अपनी गाड़ी मस्त सी हो गई फोटोग्राफी। थोड़ी देर में बस पहुंचने वाले हैं, 5-6 किलोमीटर और रह गया है, लेकिन यार मुझे ना डेस्टिनेशन से ज़्यादा अच्छा जर्नी लग रही है। जर्नी अमेजिंग है ना, डेस्टिनेशन तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन यहाँ की जर्नी देखो भाई साहब कितना मस्त लग रहा है। मतलब ये देखो और पूरी इतना वेजिटेशन यहाँ पर है, इतना वेजिटेशन है, शायद ही ऐसा वेजिटेशन कहीं पर होगा फिलहाल जून में अभी इस वक्त, जबकि यहाँ पानी भी नहीं बरस रहा है। तब भी पानी बरसता होगा तो भाई जब क्या और ग्रीन हो जाता होगा ये पूरा, बहुत बढ़िया अमेजिंग। अब बादल थोड़े से आ रहे हैं हल्के हल्के बादल, तो बादल क्या वो ऊपर पहुंचते हैं ना पहाड़ पे जाते हैं ऊपर तो लगता है हल्का हल्का। जी देखो यहाँ से हम लोग आए हैं, जी हम आ चुके हैं गुलमर्ग में, और यहाँ से जो है ना घोड़े से जाएंगे ऊपर की ओर, और हमें जो ऊपर ले जा रहे हैं ये हमारे खान भाई है साथ में, बताइए खान भाई। बिल्कुल सर, आप ले जाएंगे हमें यहाँ से ऊपर है ना, और जब भी मतलब कि विंटर में आ जाओगे कभी, विंटर में कभी तो आप कभी भी आओ यहाँ पर, खान भाई पूछ लेना गुलमर्ग में किसी से भी, वो आपको ले जाएंगे, जो भी आएगा इनसे जरूर मिलिएगा, ये आपको बढ़िया तरीके से घोड़ा करा देंगे, सब कुछ करा देंगे, सब आपकी सब फैसिलिटी ये करवा देंगे वहाँ पर। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर, अभी थोड़ा सा खा पी रहे हैं, मैगी खा रहा है, व्यान चाय पी रहे हैं, और ये मामा जो कावा पी रहे हैं, कावा नहीं पिया यहाँ पर आके तो बेकार है सब, कश्मीर का कावा नहीं पिया, जाने का ज्यादा मजा है जो ऊपर में आप पियोगे। तो चलो फिर चलते हैं थोड़ी देर में, यहाँ से अपन निकलते हैं, और देखो मस्त क्या मौसम है, और अपन बैठ चुके हैं घोड़े पे, भाई साहब घोड़ा भी है ना, अरे कहाँ चढ़ रहा है तुम भी, सही है भाई साहब, ये देखो आप तो ये अपना घोड़ा है, और जा रहे हैं अपन उस जगह
घोड़े से पता क्यों जा रहे हैं? घोड़े से भाई बताता हूँ, और घोड़े से पता क्यों जा रहे हैं? घोड़े से भाई इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने ऑनलाइन रोप वे नहीं किया, लेकिन जाना तो है, अब कुछ ना किसी तरह जाना पड़ेगा, तो अपन जा रहे हैं घोड़े से। ये देखो पीछे विद फैमिली, पूरी फैमिली एक घोड़े पे बैठी है पर जा रहे सब। अरे कम कहाँ जा रहा है तुम तो सीधे चलो अरे तुम ऊपर रोड छोड़ के यहाँ क्यों आ गए? अरे रोड पे चलो भाई भाई तुम रोड छोड़ के ऊपर क्यों नहीं आ रहा है? मेरे आओगे क्या? तुम इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो भाई, तुम्हें घास खिलाएंगे ऊपर चल के। ये रास्ता ये जो एरिया दिख रहा है ना याला, ये बुमरो बुमरो गाना हुआ था मिशन कश्मीर का, वो यहाँ पर हुआ था। ये ग्रीन वाला है ना, ये ग्रीन ये हुआ था यहाँ पर, इस जगह मिशन कश्मीर की शूटिंग हुई थी इस गाने की। बाकी तो वैसे भाई पूरे जन्नत से कम ही लग रहा है ये जगह। कश्मीर को जन्नत सही कहते हैं भाई, लगी जगह ही ऐसी है। ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी, आप कहीं चले जाओ, मनाली चले जाओ, स्पीति चले जाओ और लद्दाख चले जाओ, लेकिन जो कश्मीर में है वो कश्मीर में रहेगा, कहीं नहीं जा पाएगा। यहाँ पर देखो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनिंग है, यहाँ पर ट्रेनिंग सिखाते, ट्रेनिंग दी जाती है पूरी। मुड़ गया क्या? गलत मुड़ गया ये। चलो भाई घोड़ा थोड़ा सा गलत राह पे चला गया था, इंडियन इंस्टीट्यूट जा रहा था ये तो सीखने, ये तो इंडियन इंस्टीट्यूट जाने लगा था सीखने। ये देखो सफरे क्या बयान, कैसा लग रहा है? यहाँ पर कोई नहीं है, वो घोड़े वाला चला गया, वो घोड़े वाले आगे चले गए और यहाँ पर मेरे को अकेले छोड़ गए घोड़े वाले। यहाँ पर भैया पीछे कोई नहीं, मैं चला रहा हूँ घोड़ा अकेले। बेटा बड़े पापा देखो अकेले चला रहा है घोड़ा। अब ये देखो आगे जो है ना, अब ये लद्दाख की क्रॉसिंग आती है क्रॉसिंग में, और घोड़ा अपना जा रहा है। ये देखो आओ चलो 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 हाँ सही है सही है। ऊपर जाएगा तो घोड़े बेटा आगे रखना है। ये देखो भाई साहब अब यहाँ से अपन इसको लेके जाएंगे अंदर जंगल के अंदर। अब जाएगा घोड़ा जंगल के अंदर, क्यों सही है भाई? अपन को ऊपर जाना है बहुत बर्फ के पास। ट्रा ट्रा जी देखो भाई सब अलग ही मजा है, अलग ही एडवेंचर जी। एडवेंचर जो है ना, अपन तो उससे कहते ना गोंडोला से, ये एडवेंचर है ना जो पहले जो आए थे अपन उससे गए थे रूपे से, और ये एडवेंचर अब नया है, कुछ अलग ही एडवेंचर है। अब ये जंगल के अंदर चलेगा ये पूरा है भाई। ये है चेरी के पेड़ है, ये देखो भाई ये चेरी नेचुरल चेरी में जंगल की चेरी है ये। अपन वो नहीं मिले भूटान में मिले थे ना जैसे मैसी भाई, ये कहाँ लगे? हाँ हाँ ये भूटान के चेरी है ये। अरे लकड़ी वाला बात है क्या, गरम पानी वाला? ये नहीं है, ये नहीं है अपना तो। अरे गुरु तुम्हें आज कहाँ जा रहे इधर? चलो सकते बीच रोड पे चलो, अंदर कहाँ जा रहा तुम? ये चोपड़ा वैली है, चोपड़ा हट्स। यहाँ पर शूटिंग होती है अच्छा।
यार भाई साहब ऐसी ऑफ रोडिंग आज तक नहीं देखी, बगाली गाड़ी से ऑफ रोडिंग बहुत करी है, घोड़े से ऑफ रोडिंग आज पहली बार हो रही है, मस्त एकदम। अब देखो ढलान आएगी, ढाल आएगी, अब पीछे रखना है, बॉडी वेट पीछे आएगा पूरा। अब बॉडी वेट पीछे आएगा ना, देखो घोड़ा चलाना सीख गया हूँ मैं, जब ढाल आती है तो बॉडी वेट पीछे रखना है, दोनों पाँव में एक जैसा वजन दोनों पाँव में, और चला जाती है तो बॉडी वेट आगे जाएगा पूरा। इससे क्या है कि घोड़ा चलाना सीख जाएंगे अपन तो अकेले भी चला सकते हैं, जरूरत ही पड़ेगी किसी की, है ना। ऐसे घोड़ा पाल लें हम जैसे तो हो जाएगा ना, सीख जाएगा बातें। घोड़े थोड़ा रेस्ट दे दिया है और यहाँ पर बैठे कुछ खाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे भाई, ऊपर जाना है क्या, थोड़ा थोड़ा अपन ने रेस्ट लिया है उसके बाद ऊपर जाना है। गाड़ी से एडवेंचर है कोई करता है, लगता है मैं कर चुके एडवेंचर, अब आज हमने घोड़े से एडवेंचर किया है, अल्टीमेट मजा है और सबसे बढ़िया मजा जी कर रहा है। चाय पियो, चाय दो कर देना, चाय दो। वो जो आगे अपना कश्मीरी पुलाव, और ये पता है ये क्या है, प्याज की चटनी, प्याज में चटनी लाल मिक्स करके कश्मीरी पुलाव है ये, क्या कैसा लग रहा है, खा के देखते हैं, खा के कैसे लगेगा ये, खा के देखो, चख के देखो ये। लो तो सबसे पहले ये खा के देखते हैं कैसे लगता है। चलो जी, बढ़िया भाई मजा आया, चटनी मिला खाओ, मिर्ची मिला खाओ, खाओ ना, अल्टीमेट अल्टीमेट मजा आया खाने में। अच्छा इस मजा तो इसका है, चटनी का और प्याज का, है ना, और ये खा के मजा आ रहा है बिल्कुल मस्त एकदम बेहतरीन। अरे ये बताओ पहले ये चटनी कौन सी है, ये प्याज तो ये अंदर क्या मसाला, मसाला कौन सा है, मिर्च रेड चिली, बस मैं आ गया। मौसम कितना चेंज हो चुका है, बारिश आ गया, बारिश शुरू हो गया, देखो अभी तो ऐसा मौसम होता रहता है, अभी तो धूप निकल जाएगी, कपड़ा गीला हो जाएगा, उसमें क्या है, ज्यादा बारिश गिर जाएगा तो गीला हो जाएगा। क्या मस्त मौसम है यार, क्या मस्त नजारे हैं, और वाकई में ये देखो, ये देखो बहुत बढ़िया। अब बैठेंगे आगे, आगे चलने के लिए बैठो, वही रुके हैं यहाँ पर जब तक घोड़ा भी अपना घास खा रहा है, घोड़ा घास खा रहा है, पेट भर जाएगा इसका, तो ये हम लोग अच्छी तरह ले जाएगा ऊपर, ये देखो सब लगे हैं खाने को, और ये लोग देखो हम लोगों ने खा लिया, घोड़े खाएंगे, ये देखो जले हुए हैं घोड़े ने, घोड़ा घास खा चुका है और निकलेंगे। वैसे मौसम बहुत मस्त हो रहा है, वेदर अच्छे हो रहा है, पानी बरस रहा है, अभी थोड़े थोड़े ओले भी गिरे थे, चलो जी। वैसे तो बहुत बढ़िया लग रहा है, कैसा लग रहा है, मस्त है ना, घोड़े से जो एडवेंचर हुआ ना अल्टीमेट का, बारिश हो गई, गाड़ी से तो बहुत बका चुका, एक बार घोड़े से एडवेंचर किया था बेहतरीन तरीके, फाड़ू जाता फाड़ू, वो आपको एक चीज़ दिखाएं, ओले गिरने लगे यहाँ पर देख रहे हैं, अभियान शर्मा की दूरबीन देखिए, अरे दूरबीन देख रहे हैं, भाई सब वापस निकल चुके हैं और एडवेंचर पे वापस अपने, अब खतरनाक वाला एडवेंचर आने वाला है यहाँ से, अब ये पेड़ देखो अलग ही लगते हैं भाई साहब, लंबे लंबे दूर से देखा करते थे ये पेड़, नज़दीक में आ गए हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं, इनकी लकड़ी काटी जाती है, ले जाया जाती हैं, अच्छा गवर्नमेंट का ऑर्डर होते तभी काट पाते हैं ये लोग,
अब आएगा एडवेंचर फिर से, देखो वो दिख रहा है आपको, ऊपर चढ़ना पड़ेगा एडवेंचर के लिए। अब देखो ये चढ़ेगी पहाड़ पे घोड़ी, ये देखो भाई सब क्या एडवेंचर है भाई, बढ़िया। अब बोलो भैया नीचे खींचो, आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी भाई, बहुत बेहतरीन। ये देखो भाई फुल एडवेंचर भाई साहब, घोड़े देखो कहाँ चढ़ रहा है, अल्टीमेट यार अल्टीमेट, जात देनी चाहिए इस घोड़े की, ऐसा एडवेंचर तो भाई साहब कभी नहीं। अरे अरे पैर बैठ गया, पैर बैठ गया। देखो भाई साहब क्या खूबसूरत जगह है, अल्टीमेट। और हमारा घोड़ा सब लोगों से अलग चल रहा है, सबके घोड़े माशाल्लाह हैं, वो हमारा घोड़ा यहाँ चल रहा है, देखो मस्त एकदम, क्या मस्त जगह है गुरु, ये है बढ़िया मस्त एकदम, चारों तरफ से एकदम है भाई। ये देखो है मस्त भाई, मस्त है एकदम, ये पूरा बर्फ का नजारा है, बर्फ के नजारे देखने नहीं आए हम, हमने तो एडवेंचर देखना था यार, देख वहां से आए अपन नीचे से एकदम। 16-17 फीट है, कितना फीट है? हां 18-19 18000 18000 भाई। अबे हमें इसके ऊपर जाना है, हैं हां इसके ऊपर जाएंगे? नहीं बाबू, ब्लैक बर्फ है ना, मौसम बहुत अच्छा, अल्टीमेट हो गया, क्या मस्त है। हम लोग ऊपर आ चुके हैं यहाँ पर और बिहान राइडिंग के लिए तैयार है, ठंडी ठंडी हवा चल रही, मस्त ठंडी चल रही हवा यार, मस्त तरीके से यार, चाय बढ़िया बैठे हैं, चाय बोलिए चाय पीते हैं फिर निकले हैं यहाँ से। अरे गुरु कहाँ जा रहे तुम? अच्छा ठीक है ठीक, ओके ओके राइड करेंगे। चलो जी तैयारी हो चुकी है आने की, दो घोड़े वहाँ पर हैं, ये देखो दो घोड़े वहाँ पर हैं और ये अपना घोड़ा है यहाँ पर, मस्त तरीके से। अरे गुरु बैठ गई, हम इसमें बैठे इसी पे हैं, अच्छा चल दिए वापस, और शाम हो गई, अंधेरा होने से पहले अपन को नीचे पहुंचना है, अंधेरे में वो क्या है कि ऑफ रोडिंग है ना, तो ऑफ रोडिंग बहुत खतरनाक है अंधेरे में भाई, घोड़े का घोड़े पे आगे हेडलाइट भी नहीं है, तो अंधेरा हो जाएगा तो घोड़ा कैसे देखेगा है ना, तो हेडलाइट है नहीं, हेडलाइट लगानी चाहिए वैसे आपको, एक आगे अजूम की लाइट आती है, एक अजूम की LED लग जाती है आगे। चलो देखो हम लोग कितने ऊँचा हैं, ये देखो ये देखो नीचे तक, नीचे से आए हम नीचे जा रहे हैं, शाबाश शाबाश, ओश 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 ओश, शाबाश शाबाश शानी शाबाश शाबाश। अब ये देखो पानी से निकलेगा, ओश भाई ये देखो एडवेंचर, गाड़ी अभी तक गाड़ी से निकालते हैं, पानी के अंदर घोड़ा निकलेगा, हैं अभी घोड़ा निकलेगा पानी के अंदर से, ऊपर से झरना आ रहा है, अब ये निकलेगा पानी से, इनका संभालो इनका संभालो, ओस ओस ओस, अरे बाबा ओस 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 ओस, ओ तेरी ओ तेरी ओ भैया, ये देखो भाई साहब ये निकल रहा, ओस 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 ओस, ये देखो पानी से निकल रहा है पीछे से, क्या एडवेंचर है वाकई में, ये देखो बहुत मस्त एडवेंचर है, मज़ा आ गया। अभी तक से ना गाड़ी निकालते थे ऐसी जगह से, अब घोड़ा निकाल रहा है, उसके बाद एडवेंचर क्या होगा बताओ। ये देखो भाई सर, अरे सब चीज़ पहले इसके आगे यार, दमदार घोड़ा है, वेरी गुड, ओस 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 दमदार, शाबाश शाबाश यानी शाबाश, वेरी गुड। ये देख रहा हो, ये देख रहा हो कैसी रोडों से निकाल रहा है, निकल रहा है,
तो भाई कैमरा नीचे रखते हैं और सीधे पहुंचते पहले वहां पर, है ना। शाबाश शाबाश, मेरे वापस तो आ चुके हैं ना, हालत खराब हुई लेकिन भाई साहब थी एडवेंचर बढ़िया बेहतरीन। वो दिख रहा वहाँ गए थे घोड़े से, सोच लो वो उस जगह घोड़े से गए थे और यहाँ से घोड़ा यहाँ से गया था। अरे फोकस कर ले, यहाँ से घूमता हुआ कुत्ती ऊपर वहाँ तक गया था, इस जंगल से होते हुए पूरा वहाँ तक। बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर था ऐसा एडवेंचर भाई साहब, मज़ेदार था, मज़ा आ गया। और ये अलग ही जगह है ना, मस्त जगह है बिल्कुल। अब की बार आएंगे तो यहाँ पर होटल बुक कराएंगे, रहने का जो मज़ा आएगा ना यहाँ पर वो अलग ही आएगा। सनसेट होने वाला है, बहुत ही खूबसूरत सनसेट लग रहा है यार, देखो। अभी हम तो आए वापस हो रहे हैं अपने होटल के लिए, श्रीनगर के लिए गुलमर्ग से, और यहाँ से हमें अप्रोक्स लगेंगे 1.5 घंटा करीब। और जो अभी टाइम हो रहा है 7:38, तो हम पहुँचेंगे 9:30 बजे का टाइम बताया, लेकिन हमें मालूम है 1 घंटा लेट हो जाएगा क्योंकि ट्रैफिक बहुत होगा। और रही बात गुलमर्ग की, तो गुलमर्ग में जो मज़ा आया अल्टीमेट मज़ा था भाई साहब, पैसे ज़रूर लगे लेकिन जो मज़ा है ना अल्टीमेट आया। और ये मज़ा मैं हिंदुस्तान के हर आदमी को देना चाहता हूँ, तो कृपया आप भी आएँ और अपने पैसे खर्च करें यहाँ आके, और जाना है तो घोड़े पे जाएं। क्यों घोड़े पे कैसे मजा आया? बहुत बहुत ज्यादा। क्यों मामा घोड़े पे कैसे मजा आया? अभी तो अच्छा लग रहा है लेकिन रात में जब पिछवाड़ा दुखेगा ना तब आएगा मजा घोड़े पे, घोड़े का मजा जो है। उल्टा सोना पड़ेगा रात को, चिंता मत करो, सीता नहीं सो पाओगे उल्टा सोना पड़ेगा आपको। हाँ भाई साहब हम लोग वाकई में आज अभी तो फिलहाल सही है, लेकिन रात में जो दर्द होने वाला है ना मुझे मालूम है, हम लोग सीधे सो ही नहीं पाएंगे आज, उल्टा सोना पड़ेगा पिछवाड़ा पीछा करके उल्टा करके सोना पड़ेगा। की गलती है कि हम लोग चढ़े ना तो उस पे फिर अपने अपने जैकेट रख लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठंडा लगता फिर मामी को लपेट लेते। देखो एक चीज, ठंडा बचा ले या पिछवाड़ा बचा लो, दोनों में एक ही बचा सकते थे, हमें ठंड से बचना ज्यादा जरूरी समझा, मामी का पिछवाड़ा नहीं सूझा था इसलिए बातें आ रही। हमें तो ठंड से बचना ज्यादा अच्छा लगा, पिछवाड़ा तो कोई दिक्कत नहीं आटे से लगा लेंगे। नहीं 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 सुनो, पिछवाड़ा में कोई दिक्कत नहीं, आवड़ा से लगा के सो जाएंगे लेकिन ठंड लग जाती तो बड़ी दिक्कत आती चलो यार जल्दी चलें, नहीं ट्रैफिक मिलेगा भाई, चल नीचे उतरे पहले तुम चलो ये देखो भाई साहब, ये डल झील का नज़ारा। और टाइम जो हो रहा ना वो हो रहा 9:53 इस समय, तो बहुत ही बेहतरीन ट्रैफिक जाम हो रहा हो यहाँ पर, तो इतनी भीड़ भाड़ पसंद नहीं है यार मुझे। अच्छा खासा स्पीति जा रहा था, क्या कहते थे काजा, अच्छे खासा काजा जा रहा था, यहाँ पता नहीं यहाँ पर ले आए लोग यार इतनी भीड़ में, काजा सही रहता भाई, कोई नहीं रहता भाई साहब, बिल्कुल अकेले एकदम एकांत में रहो एकदम, मज़ा आ रहा था। ये देखो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, चलो भाई डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद सीधे आगे सोएंगे भाई, थक गए बहुत, पता नहीं कहाँ रह जाते ये लोग। वापस अपने होटल पर आ गए, बहुत ज़्यादा थक गया यार, खाना खा के वापस यहाँ पर आए ना उसी में से लग रहा था यार कहीं पर सो जाओ ऐसी नींद था, झोंका आ रहा था, मतलब समझ लो कि नींद का। गाड़ी अपनी पड़ी है पार्क है यहाँ पर, और ये अपना होटल है यहाँ पर, और ये गाड़ी अपनी यहाँ पार्क है मस्त तरीके से, और अपन अभी पार्क होंगे कमरे पर जाके, पार्क हो जाएंगे भाई टोटल पार्क, और सीधे उठेंगे सुबह। तो यार वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं कल श्रीनगर में।